एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमी लाइफ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो एक रिव्यू वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी अगारो ब्रांड का एयर फ्रायर। सो एयर फ्रायर एक कन्वेक्शन ओवन की तरह ही होता है। इसमें हीटिंग होती है, फ़ैन होता है, और इसमें हम क्या है कि बहुत ही ज़्यादा कम तेल में चीज़ों को फ्राई कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, स्टीमिंग कर सकते हैं, ग्रिलिंग कर सकते हैं। तो यही सारे फंक्शंस आज हम इस वीडियो में देखेंगे, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अभी जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वाले प्रोडक्ट का रिव्यू। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं एयर फ्रायर के बॉक्स को। तो ऐसे बॉक्स में ये पैक होके आता है। तो इसमें सारे इसके एक साइड पर जो इसके मेन फीचर्स हैं उनके बारे में बताया गया है, जैसे कि यूनिफॉर्म हीटिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है ये, एडजस्टेबल टाइमर है इसमें, नॉन स्टिक बास्केट है इसकी, कूल टच हैंडल है इसका, और एडजस्टेबल टेम्परेचर कंट्रोल भी है, और साथ में आता है पावर कॉर्ड। तो सबसे पहले तो जो अगारो का एयर फ्रायर है, इसका लुक, ओवरऑल लुक है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है, आपकी जो किचन की लुक को एनहांस करता है। ऐसी कुछ चीज़ अगर आप अपने काउंटर टॉप पर रखते हैं तो ओवरऑल किचन का लुक बड़ा ही अच्छा आता है। तो अभी देख लेते हैं इसके मेन फीचर्स। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है एक टच पैनल, तो जहाँ से सारा जो एयर फ्रायर है ये ऑपरेट होता है, और उसके बाद ये है नीचे इसके मेन बास्केट। तो अगर हम इसे पुल आउट करते हैं तो बाहर आ जाती है, और बीच अंदर में से सारा ये नॉन स्टिक है। तो बास्केट को ओपन करने के लिए हमें ये वाला जो बटन है, ये वाला जो फ्लैप है, इसे ऊपर करना है, और नीचे है एक बटन, उसे प्रेस करेंगे अगर हम, तो ये वाली जो हमारी बास्केट है ये अलग हो जाती है। तो सारा एक्सेस ऑयल है जो इसमें ड्रिप होता है, और जो भी हमने सामान कुक करना है कुछ भी, तो वो हमें यहाँ पर इस वाली नेट के ऊपर ही प्लेस करना होता है। तो अगर हम इसे दोबारा क्लीन करके दोबारा इसमें लगाना चाहते हैं तो हमें जस्ट इसे ऐसे रख के एंड उसके बाद बटन को प्रेस कर देना है, और ये फिक्स हो जाएगा। तो कुछ भी हमें इसमें डाल के जो भी हमें कुक करना है, और उसके बाद इसे हमें ऐसे जस्ट पुश कर देना है, तो ऐसे क्लिक करके साउंड आएगा, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपरली फिक्स हो गया है। तो एयर फ्रायर के ऊपर की साइड दिया गया है ये 6 प्री सेट मेन्यू हैं। तो ये जो लाइक यहाँ पर दिया गया है कि 180 डिग्री सेल्सियस पर और 360 डिग्री फारेनहाइट पर हम 10 से 15 मिनट के लिए बेकिंग कर सकते हैं, और 15 से 20 मिनट के लिए हम कुछ भी अगर हमने फ्रोज़न फूड है उसे रीहीट कर, उसे फ्राई करना है तो वो कर सकते हैं। तो ऐसे ही सारा 6 ऐसे प्री सेट जो मेन्यू है ये दिए गए हैं, ताकि आपको आसानी हो कि आपने अगर इनमें से कुछ भी कुक करना है तो वो कैसे करना है और कितने डिग्री सेल्सियस पर उसे हीट करना है। तो ये यहाँ पर सुजेशंस दिए गए हैं, ये टच बटन्स नहीं हैं। तो ओवरऑल जो इसके लुक है बहुत ही अच्छी है। जो इसके बैक साइड है वो एयर वेंट दिया गया है, जो भी हीट है उसे एस्केप करने के लिए ये वेंट दिया गया है, और साथ में इसकी बड़ी लंबी पावर कॉर्ड दी गई है। तो ये 1300 वॉट पर ये वर्क करता है, और इसका जो प्लग है ये 16 एम्पेयर प्लग है, तो हमें पावर प्लग में ही इसे जो है लगाना है। तो अब देख लेते हैं इसके जो कंट्रोल पैनल है इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो जब हम प्लग ऑन कर देंगे तो ऐसे रेड लाइट एक आएगी, इसका मतलब कि हमारा जो प्लग है वो ऑन है। तो अभी हम इस डिवाइस को जब ऑन करना है तो ये इसका ऑन ऑफ बटन है, तो हम इसे, ये एक टच स्क्रीन वाला जो पैनल है वो है, बटन्स नहीं है, तो हमें जस्ट टच करना है और ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है इसका टेम्परेचर सेटिंग, जो हमारी टेम्परेचर ये शो करेगा यहाँ पर, जैसे कि अभी ये सेट है 180 डिग्री सेल्सियस पर, और तो 15 मिनट का यहाँ पे टाइमर दिया गया है। और उसके बाद जो नीचे ये बटन्स, जो नीचे ये बटन्स हैं, इसके बारे में मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हमने जो टेम्परेचर है इसे चेंज करना है तो हमें क्या करना है, एक बार इसे प्रेस करके रखना है, जब ये ब्लिंक होने लगेगा, तो अगर हमने फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हाई करना है तो हमें प्लस प्लस को प्रेस करना है, तो मैक्सिमम ये 200 डिग्री सेल्सियस पर वर्क करेगा। तो अगर हमने टेम्परेचर जो है कम करना है तो हमें ये माइनस वाला बटन जो है ये प्रेस करना है, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। सेम वैसे ही अगर हम एक बार और इसे प्रेस कर देंगे तो टाइमर वाला जो ऑप्शन है वो ब्लिंक होने लगेगा। सेम ही हम टाइमर को भी बढ़ा और घटा सकते हैं ऐसे, तो मैक्सिमम इसमें 1 आवर का टाइम हम सेट कर सकते हैं,
और मिनिमम इसमें हम जितना भी चाहे उतना टाइम सेट कर सकते हैं। तो ऐसे ये मतलब इसका जो फंक्शन है, अगर हमें इसे ऑन करना है, स्टार्ट करना है, तो हमें जस्ट ये वाला बटन प्रेस करना है तो ये ऑन हो जाएगा। तो ये जो दो साइंस आ रहे हैं इसका मतलब है कि ये डिवाइस ऑन है। तो अगर हमने बीच में से चेक करना है तो इसे हम दोबारा प्रेस कर सकते हैं तो ये स्टॉप कर देगा फंक्शनिंग, और अगेन हम प्रेस करेंगे तो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके सारे फीचर्स तो हमने देख लिए, अभी जल्दी से कुछ कुक करके देख लेते हैं इसमें कि कैसे होती है सारी जो इसकी प्रोसेस है। तो कुकिंग करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि जो मेरे पास फ्रोजन एक स्माइलीज का पैक है, तो फ्रोजन मैं स्माइलीज इसमें फ्राई करूँगी विदाउट एनी ऑयल। तो जस्ट हमने जो हमारी फ्रोजन फ्राइज है इसे इसमें डालना है और ये 7 से 15 मिनट में, वेरी करता है कि टाइम, हमें बीच बीच में इसे फ्लिप करना है, तो ये रेडी हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं जो मेरा एयर फ्रायर है इसे प्री हीट कर लेती हूँ 5 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर। तो जो हमारा जो एयर फ्रायर है वो प्री हीट हो गया है। अभी मैं इसमें डालने वाली हूँ हमारी स्माइलीज। तो अभी जो 4 मिनट होने वाले हैं ऑलमोस्ट, तो अभी मैं इसे रोक के और इसकी साइड्स जो हैं चेंज कर देती हूँ और एक बार देख लेती हूँ कि कितना कुक हुआ है। तो अभी 8 मिनट का मैंने टाइमर लगाया था, अभी 4 मिनट पर मैं इसे एक बार स्टॉप कर देती हूँ और अंदर से फिर मैं इसे हिला देती हूँ स्माइलीज को। तो हमारी जो स्माइलीज हैं वो अच्छे से कुक हो गई हैं, अभी जल्दी से इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इतनी अच्छी क्रिस्प हमारी, इतनी अच्छी गोल्डन हमारी स्माइलीज जो हैं रेडी हुई हैं। बिल्कुल भी मैंने ऑयल नहीं डाला, ऐसे ही फ्रोजन मैंने स्माइलीज डाल दी थी, तो बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली रेडी हो गई हैं, बिल्कुल इसमें एक्स्ट्रा कोई ऑयल नहीं है। आपको एक बात पता है कि ये एयर फ्रायर 90% लेस ऑयल में हमारी चीज़ों को जो है फ्राई करता है। तो वैसे तो इसे जो समझना है एयर फ्रायर को, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो आप कुछ भी जो ओवन में आप कुक करते हो वो चीजें सारी इसमें बड़ी फास्ट कर सकते हो, बड़े कम तेल में मतलब कर सकते हो हर एक चीज। वैसे तो बड़ा ही इसका प्रोसेस सिंपल एंड इजी है, मगर फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, पता ना चले, तो साथ में इसके आता है एक यूजर मैनुअल, तो आप इससे अच्छे से इसे यूज करने से पहले एक बार रीड कर सकते हो, इसमें इसके बारे में सब कुछ बताया हुआ है। तो वैसे तो ये बड़ा ही सिंपल है, अगर फिर भी कुछ ना समझ आए तो यूजर मैनुअल होता है साथ में आपको गाइड करने के लिए। तो ये प्रोडक्ट बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही लाइक फास्ट जो है सब कुछ हो जाता है इसमें। तो अगर आप भी इसे परचेस करना चाहते हैं तो परचेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से परचेस कर सकते हो। अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे तो ये अवेलेबल है ही, तो बड़ा ही अच्छा प्रोडक्ट है, जल्दी से लो। आजकल लाइक हम लेस ऑयल खाने की, लेस ऑयली खाने की ओर जा रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर जा रहे हैं, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा लेस ऑयल यूज़ होता है, 90% लेस ऑयल यूज़ होता है। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।